समय से स्थिर चल रहे पेट्रोल डीजल के दामों में अब बढ़ोतरी हो गई है। करीब 137 दिन के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम में 80 पैसे का इजाफा किया है। अब नवंबर के बाद पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने पर भोपाल में पेट्रोल 107 रुपए 23 पैसे प्रति लीटर से बढ़कर 108 रुपए 11 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है, तो डीजल भी 90 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर से बढ़कर 91 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। इसी तरह दिल्ली में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल की कीमत 96 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई है, वहीं डीजल भी 87 रुपए 47 पैसे पर चला गया है। तो देश में पेट्रोल डीजल के दाम ऐसे समय में बढ़ाए गए जब इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट ऑयल का भाव जो है गिरावट के साथ $100 प्रति बैरल पर आ गया है। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन तनाव के बाद कच्चे तेल का भाव भी जो है बढ़ गया था और उसके बाद जो है अब उसका पूरा पूरा असर अन्य चीजों पर भी दिख रहा है। तो हालांकि पश्चिमी बंगाल समेत कुछ राज्यों के चुनाव के बाद पिछले साल सितंबर के अंतिम दिनों से जो है पेट्रोल की कीमतें बढ़नी शुरू हुई, वो दिवाली से पहले तक जारी रही। फिलहाल देश में लंबे समय से स्थिर चल रहे पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है, इजाफा हो गया है राष्ट्रीय स्तर पर और डीजल के दाम 80 पैसे प्रति लीटर बढ़ाए गए हैं। तो फिर लोगों का क्या कुछ कहना है, सुबह सवेरे लोग पेट्रोल डलाने के लिए जब पहुंचे पेट्रोल पंप तो उनका क्या कुछ कहना है, चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं पेट्रोल पंप पर जहां पर मुस्तैद हैं हमारे संवाददाता सूरज शर्मा और उन्हीं से जान लेते हैं कि लोगों का क्या कुछ कहना है इस महंगाई की मार को लेकर। जी सूरज, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल शायदा, दिवाली के तोहफे के बाद अब पहली बार है जब डीजल पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। आप देख सकते हैं आज सुबह सुबह आज रंग पंचमी का मौसम है, हालांकि ऐसे में यहां पर लोगों की आवाजाही कम है, लेकिन जो लोग पेट्रोल डलाने आ रहे हैं उनसे हम बात करेंगे कि पेट्रोल 88 पैसे बढ़ा है दिवाली के बाद, अब डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं 88 पैसे, क्या कहेंगे? सर, महंगाई तो बहुत ही बढ़ती जा रही है और दिन ब दिन मतलब तेल जैसे इतना महंगा करते जा रहे हैं, परेशानी का सामना तो करना पड़ रहा है। अब मजबूरी है तेल भराना, गाड़ी वाहन रखे हैं, नहीं तो सर पैदल चलने पे क्या बिगड़ जाएगा। गैस के दाम भी बढ़े हुए हैं। जी सर, उसमें भी समस्या, हम लोग सर बाहर रह रहे हैं और हर चीजें महंगाई है, कैसे क्या खर्चा मेंटेन करेंगे हम लोग अपना। बिल्कुल, महंगाई जरूर है लोगों का कहना है। आज 88 पैसे बढ़ गया है पेट्रोल के दाम, जो आपको 107 रुपए मिलता था अब 108.11 रुपए मिल रहा है। सर वो तो बढ़ते रहेंगे महंगाई तो। दिवाली के समय सरकार ने काफी सस्ता किया था डीजल पेट्रोल और अब 88 पैसे बढ़ गया है, सरकार क्या करेगी? वो तो करप्शन खत्म होगा, जब तो होगा ही, करप्शन खत्म करो आप पहले। तो बिल्कुल लगातार दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, शायद यही वजह है कि आम जनता हमेशा इस दर्द से रूबरू होती है कि आखिर डीजल पेट्रोल के दाम लगातार क्यों बढ़ते हैं। हालांकि पहला मौका है सर, आज 88 पैसे पेट्रोल बढ़ गया, कितना भरवा रहे हैं आप? 88 रुपए बढ़ने के बाद भी मैं 1100 रुपए का पेट्रोल डलवा रहा हूँ। एक्चुअल में पेट्रोल के दाम बढ़ गए इससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है, आम लोगों के पास पैसा बहुत है क्योंकि अननेसेसरी पैसा लोग शराब पीने पे, होटल जाने पे, बड़े बड़े मकान खरीदने पे, अपने लग्जरीज पे पैसा खर्च कर रहे हैं, तब लोगों के पास पैसा कहाँ से आ रहा है? और जो हम पैसा अगर सरकार बढ़ा रही तो कहीं ना कहीं हमारे लिए कहीं ना कहीं कुछ सब्सिडी वाली योजनाएं, बहुत सारी ऐसी स्कीम्स देती है, इसका मतलब ये नहीं कि सरकार गलत कर रही है, कहीं ना कहीं उसका सही यूटिलाइज हो रहा है और लोगों के पास पैसा है, दूसरे चीजों पे लग्जरीज पे पैसा बहुत सारा खर्च कर रहे हैं। तो बिल्कुल ज्यादा मिला जुला असर है, एक तरफ कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है तो कुछ दूसरी तरफ लोगों का ये भी कहना है कि हम अपने खर्चे दूसरी जगह लग्जरी लाइफ जीने में लगा देते हैं तो डीजल पेट्रोल पर क्यों नहीं। शायदा बिल्कुल सूरज, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन अभी जो बात है यहीं तक नहीं है, आगे भी हम बात आपको बताने जा रहे हैं कि ये जो महंगाई की मार है, जो सिंगल मार नहीं है, ये मार अब डबल हो चली है। फिलहाल तो खबर यही है कि पेट्रोल डीजल के दाम जो हैं बढ़ चुके हैं और 80 पैसे प्रति लीटर जो हैं दाम बढ़ाए गए हैं, लेकिन ये दोहरी मार भी झेल रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम के साथ साथ अब रसोई गैस सिलेंडर के दामों में भी बढ़ोतरी कर दी गई है। लोगों को महंगाई का ये डबल झटका जो है लग रहा है, तो 50 रुपए बढ़ा दिए गए हैं सिलेंडर के दाम। तो आपको बता रहे हैं ये खबर हम खास कि सरकारी ऑयल मार्केट कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने आज एलपीजी के दाम में बड़ी बढ़ोतरी करते हुए इसे 50 रुपए महंगा कर दिया है। इसे जनता की रसोई का बजट और बढ़ जाएगा और लोगों की जेब पर
बड़ा असर पड़ेगा। तो सूरज, इस हवाले से भी आप लोगों से जरूर सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि अननेसेसरी लोग अलग अलग चीजों पर जो है पैसा खर्चते हैं, लेकिन यहाँ जब बात रसोई की आती है तो पूरा बजट डगमगा जाता है, क्योंकि हम अगर देख रहे हैं तो सीधे सीधे जो एक नॉर्मल सिलेंडर है वो पूरा 950 रुपये का ही हो गया है। तो ऐसे में जो बजट है कहीं ना कहीं वो भी डगमगा रहा है। इस हवाले से भी लोगों से सवाल पूछे आप, अगर वो शख्स वहाँ मौजूद है तो ये भी पूछेगा आप उनसे। बिल्कुल सहायता, बात भी करेंगे, क्यों भैया डीजल पेट्रोल के दाम तो बढ़े हैं, आज से गैस के दाम भी बढ़ गए हैं, तो कहीं ना कहीं किचन का बजट भी बढ़ाना पड़ेगा। सर बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, खासकर लोअर कास्ट जो रहता है, कम पैसे का कमाता है, उसके लिए अब सिलेंडर आप 900 रुपये पहुँच गया है, पेट्रोल अब 100 के पार हो गया है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। जरूर जरूर जहाँ जाना होता है वहाँ नहीं जाता है व्यक्ति की, चलो पेट्रोल इतना महंगा तो बहुत ज्यादा हो जाता है, 100 के ऊपर पार आप देखिए सिलेंडर कितना, 900 बहुत ज्यादा होता है। 50 रुपये बढ़ गए सर, बहुत बहुत बुरी खबर कह रहा है आप, मुझे तो नहीं तो पता, आपने बोला तो, पर ये अच्छा नहीं है कि गवर्नमेंट को चेहरे पर मायूसी है कि जिस तरीके से लगातार डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं इससे आम जनता की कमर भी टूट रही है। एक सज्जन और है सर, आज डीजल के दाम बढ़े हैं, पेट्रोल के और गैस भी महंगी हो गई 50 रुपये। हाँ आज ये 108 हो गया और बढ़ते ही जा रहे हैं इसके तो रेट, क्या करें आप, वो तो डलवाना तो पड़ेगा, आप क्या करें। गैस भी महंगी हो गई है, कहीं ना कहीं आपकी धर्मपत्नी का भी बजट गड़बड़ाने वाला है। गड़बड़ा गया लेकिन अब क्या करें साहब, तो कर रहे हैं हम और जैसे तैसे क्या करें। तो बिल्कुल ये वही लोग हैं जो लगातार जद्दोजहद करते हैं अपने जीवन से आर्थिक और सामाजिक रूप से सक्षम होने के लिए, लेकिन जिस तरीके से भले ही कम बढ़े हैं पैसे लेकिन एक जब दाम बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं जनमानस में ये संदेश जरूर आता है कि आकर लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। खासतौर से रसोई गैस की बात करें तो रसोई गैस को लेकर ज्यादा लोग चिंतित होते हैं, क्योंकि उसका कनेक्शन सीधा आपके घर से होता है, सीधा कनेक्शन आपके किचन से होता है, भोजन से होता है। सज्जन और उनसे बात करेंगे। दादा आज रेट देखो ना, रेट बढ़ गया क्या, रेट देखा दादा, 80 बढ़े हैं, 88 पैसे बढ़ गए हैं और गैस पर 50 रुपये बढ़ गए। कितना बढ़ गया आज, 88 पैसे बढ़ गए, इसलिए 108 रुपये का हो गया है पेट्रोल और गैस पर 50 रुपये 11 पैसे हो गया, पहले 107 रुपये 23 पैसा था, इसलिए 2.5 आता था, अब 3 आ रहा है 220 में। तो बिल्कुल कुछ कह नहीं पा रहे लेकिन चेहरे पर जरूर वो भाव नजर आ रहे हैं कि जब पहले वो पेट्रोल डलवाते थे तो पेट्रोल कुछ अलग था। बिल्कुल शायदा, वो जो हमेशा पेट्रोल डलाते थे उनका वही कहना था कि ये 2.3 पेट्रोल क्यों आ रहा है, क्योंकि पहले भी जब 220 का डलवाते थे तो ज्यादा आता था, लेकिन आज जो है वो पेट्रोल महंगा हो गया है इसलिए 2.5 की जगह 2.3 पेट्रोल आ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक भाव है, जब एकदम से डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो जब आपको जानकारी नहीं होती तो कहीं ना कहीं ऐसे ही एक शॉक लगता है, कह सकते हैं कि यार इतना कम कैसे, एक सवाल खड़ा होता है। शायद जी सूरज आपका धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये जोर का झटका है जो धीरे से लगा है, अब क्या करें, जिंदगी तो चलानी पड़ेगी, गैस भी आएगी, अब कहीं आना जाना भी पड़ेगा, सफर भी करना पड़ेगा, अब जेब के ऊपर भार पड़ा है तो जेब से रुपया निकालना भी पड़ेगा, तो अपने बजट को फिर से रीसेट करना पड़ेगा एक आम आदमी को, और उसी के हिसाब से उसे अपना घर चलाना पड़ेगा और बाहर का सफर भी करना पड़ेगा।